केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रासायनिक खाद के हो रहे इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि यदि रासायनिक खाद का इस्तेमाल इसी तादाद में बढ़ता रहा तो आने वाले 10 से 15 वर्षों में कैंसर के मामलों में 50% तक वृद्धि हो जाएगी। उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर के 50% किसानों से रासायनिक खाद को त्याग कर प्राकृतिक रूप से खेती करने का आह्वान किया है। अमित शाह ने कहा है कि देश की कृषि व्यवस्था की खराब हालत को देखते हुए बताया है कि भारत की खेती खतरनाक भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जरूरत है कि हम इसको और बढ़ने से रोकें। रासायनिक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी उर्वरक क्षमता कम हो रही है, ऐसे में मिट्टी बंजर होती जा रही है। एक तरफ जहां हवा पहले से ही प्रदूषित है, वहीं दूसरी तरफ अत्यधिक रसायनों के इस्तेमाल से जमीन का पानी भी जहरीला होता जा रहा है। अमित शाह ने चिंता जताते हुए कहा है कि हमारे अनाज पहले ही विषैले हो चुके हैं, लेकिन यदि आने वाले 10 से 15 वर्षों में यदि पानी भी जहरीला हो गया तो वैज्ञानिकों के अनुसार कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या में 50% तक की वृद्धि हो जाएगी। हमें इस खतरे का समझना होगा कि इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र के 1000 से ज्यादा किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा कि 2022 के अंत तक गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक गांव में कम से कम 15 किसान प्राकृतिक खेती करें। गुजरात के 2.5 लाख किसान प्राकृतिक खेती की ओर लौटे। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति के बाद से जारी कृषि प्रदाव की आवधिक समीक्षा की कमी ने वर्तमान स्थिति को जन्म दिया है। गृह मंत्री का कहना है कि गोबर की खाद और गाय के मूत्र के इस्तेमाल से ही मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अमित शाह का कहना है कि गुजरात के 2.5 लाख से ज्यादा किसानों ने पिछले 2 सालों में अपने खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल छोड़ दिया और अब वे प्राकृतिक तरीका अपना रहे हैं। किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित भी करना है। उनका कहना है कि राज्य में पानी का स्तर 1000 से 1200 फीट नीचे पहुंच चुका है और खेती करने का प्राकृतिक तरीका पानी के इस्तेमाल में 50% तक की कमी ला सकता है। उनका कहना है कि उन्होंने ये एक संसद के रूप में ये निर्णय लिया है कि 2025 तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम 50% किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।